आज हम एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने जा रहे हैं। ये वेन्यू गाड़ी है और इसका ये एस वेरिएंट है जैसे आप देख सकते हो, और ई वेरिएंट हो। इस गाड़ी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, गाड़ी बहुत बड़ी है, इस गाड़ी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि आगे की तरफ कोई लाइट नहीं है, बहुत अंधेरा रहता है। आप ये देखते हो आगे की तरफ कोई कैबिन लाइट नहीं होती। ये पीछे जो कंपनी लगा के देती है सेंटर में एक कैबिन लाइट लगा के दे देती है, जो कि सिर्फ पीछे की तरफ ही रोशनी करती है। इस तरफ यहाँ आपको पीछे की तरफ बहुत अच्छी लाइट मिलती है। एक बार जरा ऊपर उठा के दिखा दो, यहाँ पीछे की तरफ आपको बहुत बढ़िया लाइट मिल जाती है। बट मुझे डेली रूटीन में, आप छोड़ दीजिए लाइट, डेली रूटीन में ये कई लोगों की ये क्वेरी रहती है कि भाई आगे की तरफ रोशनी नहीं है, कुछ लगाओ। एक बार आपने देखा होगा हमारी एक वीडियो में, अगर आप हमारी वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हो, हमने आगे एक सनग्लास होल्डर वाली क्रेटा टाइप की लाइट लगाई थी। बट उस लाइट के अंदर प्रॉब्लम ये रही थी कि बिकॉज यहाँ पे जैसे स्पेस कम था तो बहुत मुश्किल आती थी उस लाइट को लगाने के लिए। और खास करके ये अगर माइक वाला सिस्टम है तो जिस गाड़ी के अंदर जैसे एस वेरिएंट में, ई में नहीं होता ये, तो एस में तो बिल्कुल लगी नहीं पाती थी बिकॉज ये माइक कट जाता था बीच में। तो अब ई में लग जाती थी, बट ई में भी लगाने में बहुत दिक्कत होती थी। तो आज इस जो ये बहुत बड़ी समस्या है, गाड़ी चाहे जितनी मर्जी बढ़िया हो बट अगर गाड़ी के अंदर रोशनी नहीं है, गाड़ी के अंदर लाइट नहीं है, तो उसकी बड़ी बहुत एक मेजर प्रॉब्लम रहती है कि आगे आपको कुछ भी नहीं दिखता, पीछे लेगरूम वगैरह में कुछ भी नहीं दिखता। अभी आप ये जो देख रहे हो ये रात का टाइम है और ये मैंने अपने फोन की लाइट ऑन कर रखी है, तो आपको गाड़ी के अंदर काफी रोशनी दिख रही होगी, बट अदरवाइज गाड़ी के अंदर आगे की तरफ लाइट नहीं होती। मैं आपको अभी ये भी दिखाता हूँ, आज हम ये लाइट लगाने जा रहे हैं। एक बार आप लाइट का फ्रंट करके दिखाओ, ये लाइट हम लगा रहे हैं जो कि बिल्कुल आपकी, एक बार इसके साथ टच करो, बिल्कुल आपकी जो अपहोस्ट्री है, जो आपकी ऊपर की रूफ लाइनिंग है, उसके साथ में मैच आप दे सकते हो। और बिल्कुल ओरिजिनल स्टाइल की लाइट है जैसे कंपनी से लग के आती है। इनफैक्ट जो वेन्यू लाइट लगा के देती है ये लाइट, उससे भी खूबसूरत है। आप देख सकते हो जो कंपनी फिटेड लाइट इस गाड़ी के अंदर टॉप मॉडल में आ रही है, ये लाइट उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है देखने में। ये अब ये सीधी सीधी होगी, ये बिल्कुल मतलब ऐसी लगेगी ये। हाँ, ये ऐसे, ये देखिए जी, अब ये ऐसे इस तरीके से फिट होगी। तो जो कंपनी इसके अंदर लाइट लगा के देती है, पहली बात तो वो भी इतनी ब्यूटीफुल लाइट नहीं है। और आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल ओरिजिनल छत के साथ में, इसके छत के कलर के साथ में ये पूरी मैच हो गई है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है, मतलब ये एक इतनी ज्यादा जरूरी चीज थी इस गाड़ी के लिए कि गाड़ी इतनी बढ़िया है और गाड़ी के अंदर आगे रोशनी नहीं है। अब क्योंकि आगे फ्रंट पे सबसे ज्यादा आपको डेली रूटीन में लाइट चाहिए होती है। तो अभी इसकी फिटिंग हम कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये ओरिजिनल कंपनी की पीछे वाली लाइट है जो कंपनी इसके अंदर लगा के देती है। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, ये जो कंपनी लाइट इसके अंदर लगा के देती है, इससे हमने कनेक्शन लिया है और इसको लगाने के लिए हमने किसी तरीके की कोई वायर कटिंग नहीं करी। ये मैं आपको गारंटी और वर्ड दूंगा, हम आपकी इस लाइट को लगाने के लिए कोई भी वायर कटिंग नहीं करेंगे और बिल्कुल कपलर टू कपलर लगाएंगे और स्कॉच रॉक्स का यूज करेंगे ताकि आपकी गाड़ी की वारंटी की कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो एक बहुत बढ़िया चीज है। एक बार आप लाइट को ऑन करके दिखाओ, मैं आपको जरा अपने फोन की जरा टॉर्च को बंद करके एक बार आपको पूरा दिखाता हूं। तो भाइयों, अब लाइट जो है हमारी पूरी तरीके से फिट हो गई है। तो सबसे पहले मैं आपको लाइट की फिटिंग की परफेक्शन दिखाता हूं। आपको मैंने ये भी बताया कि बिल्कुल ओरिजिनल कलर के साथ में मैच हो गई। आप देखिए, बिल्कुल कहीं पे भी आपको कलर का डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। जो हमारी कंपनी की ओरिजिनल रूफ का कलर है उसी के साथ में मैच करती हुई हमने ये लाइट लगाई है। तो इन चीजों का परफेक्शन पूरा हमने इस चीज का ध्यान रखा है। और आपको पहले एक बार फिटिंग दिखाया, तो आप देख लो क्लोजली किसी भी तरीके से कहीं पे कोई भी गैप नहीं है। ये आपको मैं हर एंगल से दिखा रहा हूं। आप ये लेफ्ट साइड से देख लीजिए, फ्रंट से देख लीजिए और ये राइट से देख लीजिए। तो ये जो है इस चीज की बहुत जरूरत थी वेन्यू गाड़ी के अंदर। तो ये लाइट अब हमने जो है बहुत बढ़िया तरीके से परफेक्टली इसको फिट कर दिया। और साथ में इसके अंदर एक और बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपके जैसे ओरिजिनल डोर का फंक्शन काम करता है कि जैसे आप अपना ये दरवाजा खोलोगे इसके साथ में भी वर्क करेगी। डोर खोलोगे तो ऑन हो जाएगी और बंद करोगे ऑफ हो जाएगी। और आपने अगर खुद भी चलानी है तो आप खुद भी चला सकते हैं। एक बार ऑन कर देना लाइट, ये देखिए आप, इसके अंदर हमने व्हाइट एलईडी भी लगा दिया और कितनी बढ़िया तरीके से इसकी रोशनी आ गई। मैं भी आपको इसकी लाइट कितनी हो रही है आगे ये भी चेक कराता हूं। एक बार बंद कर दीजिए।
तो आप देख सकते हो आगे कैबिन के अंदर कितना जबरदस्त अंधेरा है, और अगर हम पीछे की लाइट ऑन कर भी लेते हैं तो आगे लाइट नहीं है, थोड़ी बहुत रोशनी हो भी जा रही है बट वो मजे वाली बात नहीं है, तो जिससे हमारा काम पूरा नहीं होता। आप ये देख सकते हो आगे कितना डार्कनेस है, मैं आपको आराम से पूरा तसल्ली से दिखाऊंगा। अब ये हम पीछे की लाइट को एक बार, ये पीछे की लाइट जल रही है, इसको एक बार हम बंद कर देते हैं। तो लाइट तो है पीछे से, लाइट आगे जाती तो है, बट आप ये देख रहे हो कि बस थोड़ी बहुत रोशनी है बट हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अब मैं ये पीछे की रोशनी, पीछे की लाइट जो है वो बंद कर रहा हूँ। पीछे तो काफी अच्छी लाइट हो जाती है, इससे पीछे के लिए एनफ है, बट आगे भी रोशनी के लिए हमें लाइट की जरूरत है। अब ये मैंने बंद कर दिया, अब आप आगे की फ्रंट की लाइट चला दो। अब आप देख सकते हो इसके अंदर कितनी, एक बार बंद करना लाइट, बंद करना, ये देखिए आप कितना अंधेरा है, ऑन कीजिए आप, ये देखो कितनी जबरदस्त लाइट हो गई है। तो मतलब ये आगे की जो लाइट की जो प्रॉब्लम आपकी थी, जो ये रूफ लैम्प ना होने की वजह से थी, ये लाइट की प्रॉब्लम अब बिल्कुल बढ़िया तरीके से सॉल्व कर दी है हमने। अब मैं आपको एक बार और इसका डोर का फंक्शन भी चेक कराता हूँ, एक बार ऑफ कर दीजिए और डोर पे फंक्शन पे करिए। अब आप इसका डोर खोलिए जी, अब आप ये देखो डोर खोला तो लाइट ऑन होगी, एक बार डोर बंद कर दो, ये देखिए बिल्कुल जैसे ओरिजिनल कंपनी की तरह ऑन और ऑफ होती है। डोर के फंक्शन के साथ में भी हमने इसको ऑन कर लिया। तो भाइयों ये था आज की वीडियो का मेन एम, और आपको एक आगे फ्रंट पे हमने लाइट दिखानी थी, ये आज मेन हमारी वीडियो का टॉपिक था, हमारी वीडियो का थीम था कि फ्रंट कैबिन लाइट फॉर हुंडई वेन्यू, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ऑन करना जरा एक बार लाइट, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और जिसको हमने सॉल्व कर लिया भाइयों के प्यार से। तो आपको एक बार अपने स्टोर का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, स्काई कार रमेश नगर दिल्ली ऑपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 371, और मेरा मोबाइल नंबर है 9811663388, और फ्राइडे को हमारा वीकली ऑफ होता है। तो आपने अगर वेन्यू का कोई भी काम कराना हो, अगर उसको बेस से टॉप मॉडल बनाना हो, या आपके पास ऑलरेडी टॉप मॉडल है उसके अंदर आप कुछ अपग्रेड या मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं हमारे पास। और ये वाली लाइट तो आपको ई एस और एस एक्स में भी नहीं आती ना भाजी, इससे ऊपर वाले मॉडल में आती है एस एक्स में, चलो मेरे को भी डाउट है आती है कि नहीं आती, क्योंकि काम तो हम रोज करते रहते हैं बट कई बार डेली रूटीन में हमें भी चीजें याद नहीं रहती। एस एक्स ओ में तो आती है। तो आज ये सबसे पहले हमने ये बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से लाइट, एक बार ऑफ कर दो, सबसे पहले ये वाली वेन्यू पाजी की गाड़ी में लगाई है। पाजी और क्या कराया आपने हमारे यहाँ पे? हेडलैम्प्स लगवाए हैं एलईडी वाले, टॉप मॉडल वाले, मॉडल वाले जो प्रोजेक्टर वाले। यस। और आपकी गाड़ी में हमने काम किया, आपको मजा आया काम करा के? हमारे बहुत मजा आया, मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी ये कैबिन लाइट की। और आगे बाहर रात को अच्छा, उसमें आपने उसके अंदर एचआईडी लगाई है? रहता था यहाँ पे, बोले प्रॉब्लम खाने में भी दिक्कत होती थी बहुत मेरे को। जी जी, और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मजा आ गया, मजा आ गया। और आपने रात को जो हेडलाइट ऑन लगवाई है मेरे से, उस पे भी मजा आ गया, पूरी फील आ रही है फॉर्चूनर वाली, डिपर मारता हूँ आ रही है ना। चलो भाई, तो भैया का काम बहुत बढ़िया हमने कर दिया, आप देख सकते हो इसके अंदर डोर का और आप खुद भी मैनुअली भी ऑन कर सकते हैं, ये दोनों फंक्शन बहुत बढ़िया है। तो थैंक यू भाई, बहुत जल्दी मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ में, एक नए मॉडिफिकेशन के साथ में।